I'm Isha and you're watching the Isha's World. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe the channel. So let's get started with the today's home remedy, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आप सबके लिए बहुत काम आने वाली है। होम रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल एंड 1 टेबलस्पून हनी, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पैक हमारी स्किन की डलनेस ड्राइनेस को रिमूव करेगा एंड हमारी स्किन को नेचुरली ग्रो करेगा। जैसे कि हमें पता है हनी है वो हेल्प करता है हमारे एक्नेस को रिमूव करने में, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे मार्क्स वगैरह हो रखे हैं, स्पॉट्स हो रखे हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को ग्लो एंड स्मूथ करने भी हेल्प करता है, हाइड्रेट करता है, जो कोकोनट है वो नेचुरली ड्राइनेस को रिमूव करता है। ये बहुत अच्छा पैक है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में, हमारी स्किन की ड्राइनेस को रिमूव करने में। इसे अप्लाई करना बहुत ईजी है, जस्ट आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए, देन हम इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे एंड अच्छे से इस पैक के साथ अपने फेस की मसाज कर लेंगे एंड इसे 10-15 मिनट्स के लिए हम ड्राई आउट होने के लिए छोड़ देंगे या रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है विद द लुकवॉर्म वाटर के साथ। आप इस पैक को वीकली 2 times अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे, बट मेक श्योर अप्लाई करने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। वैसे तो इसका कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि कोकोनट ऑयल एंड हनी डाला हुआ है हमने, तो ये नॉर्मली हर स्किन पे सूट कर ही जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से मसाज कीजिए एंड वॉश कीजिए, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन में से डलनेस कितनी रिमूव हो चुकी है, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। सो होपफुली आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे दिया हुआ रेड बटन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।